स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। मूली एक ऐसी सब्जी है जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती। कहते हैं इसकी अजीब सी खुशबू है और स्वाद भी पसंद नहीं आता, लेकिन ये हमारे आसपास की सबसे सेहतमंद सब्जियों में से एक है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी एक गुजराती स्टाइल रेसिपी जो कि है मूली का मुठिया। सामग्रियां हैं कसी हुई मूली, ज्वार का आटा, बेसन, नमक, हींग एसोफोरेटा, नींबू का रस, कसा हुआ लहसुन, लाल मिर्च, अदरक, तिल के दाने, राई के दाने, धनिया और दही। मुठिया एक ऐसी गुजराती डिश है जिसमें मिलाई जाती है ये सारी अच्छी सामग्रियां और उसे स्टीम करते हैं और फिर काट करके थोड़े से तड़के के साथ उसे सॉटे भी कर लेते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है खाने का कुछ बहुत ही सेहतमंद सामग्रियां। पूरे भारत में इसे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। मध्य भारत में जैसे कि यूपी और काफी जगहों में तला जाता है इससे, लेकिन ये है सेहतमंद ऑप्शन। ये बहुत ही आसान है। ये सारी सामग्रियां एक साथ मिला लीजिए। मैं सिर्फ रहने दूंगी राई के दाने, हींग और तिल के दाने, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करूंगी तड़के में बाद में। और अब हम गुन लेंगे इन सारी सामग्रियों को जब तक मिले नरम आटा। तब कुछ मिनटों तक आटे को गुनने के बाद देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी, ऐसा नरम आटा मिला है हमें। इससे मिलेगा नरम टेक्सचर मुठिया को अंदर से। अगर ये आटा इससे थोड़ा सा ज्यादा कड़क होगा या थोड़ा सा कम चिकना होगा तो पकने के बाद ये कड़क होगा अंदर से। और इस रेसिपी में मुझे मूली को इस्तेमाल करना पसंद है क्योंकि मूली में है ज्यादा मात्रा में विटामिन ए, सी और बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी होता है, और फाइबर की मात्रा भी मूली में अच्छी होती है। तो जब भी आपको हुआ हो इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन और अगर आप खाते हैं मूली तो आप देखेंगे कि पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करेगा। तो यह है काफी अंडररेटेड सब्जी और इसमें से मुठिया बनाकर खाना इसे एक बहुत ही अच्छा तरीका। तो अब मैं क्या करूंगी, आकार दूंगी इसे छोटे लॉग्स का, स्टीम करूंगी इस बाम्बू स्टीमर में। आप बना सकते हैं छोटे छोटे बॉल्स इसमें से और स्टीम कर सकते हैं इडली स्टीमर में। इसे स्टीम होने देंगे 20 से 25 मिनटों तक और फिर हम करेंगे अगला स्टेप। अब मुठिये स्टीम हो रहे थे पिछली 25 मिनटों से और आपको पता चलेगा कि ये पक चुके हैं जब ये आपके हाथ पे चिपकते नहीं है और आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो आइए देखते हैं अब अगला स्टेप। अगला स्टेप है फिनिशिंग टचेस देना इस डिश को। तैयार करेंगे अब तड़का। हम देखेंगे कैसे बनाते हैं तड़का बिना तेल के। अब मैं बनाती हूँ तड़का बिना तेल के क्योंकि तेल होता है बहुत ज्यादा रिफाइंड और प्रोसेस और अच्छा नहीं होता हमारे लिए, और इसीलिए जब कभी हमें मौका मिले इसे हमारे खाने से निकालने का तो हमें निकालना चाहिए तेल को, वो बेहतर होगा सेहत के लिए। तो अब मैं क्या करूंगी, एक गरम पैन में, ये बहुत गरम है, डालूंगी इसमें राई के दाने और तिल के दाने। और अगर आपका पैन है अच्छे तरीके से गरम तो कुछ ही सेकंड्स में ये चटकने लगेंगे। तो टर्न करेंगे इसे ऐसे, नजर रखेंगे इस पर और आपको मिलेगा सेम प्रकार का फ्लेवर और टेक्सचर जैसे आपको मिलता है तेल के साथ, लेकिन ये है बहुत ज्यादा सेहतमंद। तो इस स्टेज पर हम काट लेंगे मुठियास को छोटे राउंड्स में ऐसे। आपको सुनाई दे रहा है चटकना, ये है परफेक्ट, ठीक है, ओके। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये हींग और गैस को ऑफ कर दूंगी। और अब हम फ्लेवर्स को गहरा होने देंगे इसके अंदर और तब तक हम काट लेंगे मुठियास को। तो इस स्टेज पर काफी जगहों पे मध्य भारत में ये एक्चुअली तल लेते हैं मुठिया को, लेकिन मुझे लगता है कि जो गुजराती तरीका है तैयार करना थोड़ा सा तड़का और टोस्ट करना उसको, इसमें ही एक बहुत ही अच्छा तरीका है लाने का क्रिस्पनेस और टेक्सचर बिना अननेसेसरी तेल के। तो डालेंगे अब मुठिया इस पैन में और गैस को फिर से ऑन करेंगे और टॉस करेंगे इसे इस तड़के के साथ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तेल चाहिए कोट करने के लिए, ये ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा। तो ये सारे राई के दाने और तिल के दाने अपने आप चिपक जाएंगे मुठिये के साथ। तो दीजिए इसे बस कुछ मिनट और ये तैयार हो जाएगा। मेरा वर्जन मुठिये का लेकर के सब्जी जो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है अब तैयार है। तो जरूर बनाइए मूली के मुठियाज, देखिए आपको कैसे लगते हैं। डेफिनेटली ट्राई कीजिए सेहतमंद वर्जन जो हमने बनाया है बिना तेल के। सिर्फ स्टीम कीजिए इसे और आपको मिलेंगे अच्छे से क्रिस्प सॉफ्ट मुठियाज।